बस इतनी सी बात है, कहा आग तो यार ने मांगी है, कुर्बान कर देंगे आंख का कुछ है। उसने कहा छुरी साथ भी रखते हैं, जब आंख का सौदा है तो छुरी साथ रखते हैं। छुरी ली, आंख काटी और उसके हाथ पे रख दी, सेगड़ी सर पे रखी और आंख पे पट्टी बांधी, खानकाह में आ गए। ये आशिकों की तबीयत, जो पीर से इतना इश्क करते थे वो नबी से इतना इश्क करते थे। हम तो नबी के आशिक बने बैठे हैं और कुर्बानी का कोई जज्बा हमारे अंदर नहीं है। हम तो झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं। अपनी रातों तो देखो, रात की तारीखियों में इंटरनेट पर बैठ करके हम करते क्या है। मैं ये नहीं कहता कि कौन क्या करता है, लेकिन हम अपनी रातों का एहतिसाब करें। मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी जब एक आशिक रसूल कहलाने वाला रातों की तारीखियों में जिना के मनाजिर देखता होगा, तो हुजूर के दिल पे गुजरती क्या होगी। कानों में एयरफोन लगा करके जो गाड़ियों के अंदर गाना सुनते हुए, गजलें सुनते हुए सफर करता होगा, उस वक्त मेरे रसूल के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या हुजूर बेखबर है? वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हम जो कुछ कर रहे हुजूर देख रहे, मुलायदा फरमा रहे, बल्कि हम करते बाद में है, पहले हुजूर को खबर होती है। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आंख पे पट्टी बांधी और सर पे सैगड़ी लेकर के निकल पड़े। और इश्क की बात और है, इश्क में जो कुर्बानी दी जाती है वो जताई नहीं जाती बल्कि छुपाई जाती है। महबूब पर एहसान नहीं जताया जाता बल्कि महबूब को तो कहा जाता है बस सब कुछ लेकर के इतना कह दे कि तू हमारा है, बस इतना ही, इतनी लालच होती है, वो महबूब खुश हो जाए। आंख पे पट्टी बांधी, सैगड़ी भी ला करके पेश कर दी, दे दिया। सबको पता था पस मंजर क्या है और खुद कमरे में चले गए। भाई आंख काटना कोई मामूली बात है, बर्दाश्त नहीं हुआ, कमरे में चले गए। फजर की नमाज में जब आए हैं, फिर महफिल सजी है, वही पट्टी बांध करके बैठे, तो सबके सामने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी ने पूछा, बेटे फरीद आपको क्या हुआ? मेरे और आप जैसा होता तो खड़े होकर के चीख पुकार के कहता आपकी मोहब्बत में ताक कुर्बान करें, लेकिन आशिक जो होते हैं उनकी तबीयत ही कुछ और होती है। जब पूछा ना बाबा कुतुब ने, बेटे आपको क्या हुआ, तो झूठ भी ना हो सच भी हो जाए, वहां की मखसूस जबान में, पूर्वी जबान में कहा, बाबा साहब आंख आई है। जो माना बात की, दो माने की बात की, आंख आई है उसका एक माना यह होता है कि आशूबे चश्म हो गया है। आशूबे चश्म को आप क्या कहते हैं, आंख आने को क्या कहते हैं, समझ गए ना? आंख की बीमारी होती, बहुत तकलीफ होती है आंख की, और फिर बाद में उसकी बरकत से रोशनी बढ़ जाती है, उस मर्ज को बुरा नहीं सकना चाहिए। तो कहा आंख आई है, हजरत बाबा कुतुब ने हाथ रखकर आंख पर के कहा कि बेटा आंख आई नहीं है बल्कि सवाई है। उन्होंने भी पूर्वी में जवाब दिया, आंख आई नहीं बल्कि सवाई है, यानी सवाई का मतलब जो एक थी ना, अब वो तेरी आंख सवा हो गई है। जैसे पट्टी खोली तो जो कुदरती आंख थी उससे ये आंख बड़ी और खूबसूरत हो गई। सूफिया फरमाते आज भी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की औलाद को पहचानना आसान है, जिसकी माँ भी फरीदी होगी, जिसका बाप भी फरीदी होगा, यानी जो नजीबुद्दीन फरीदी होगा, और इंसानों से उसकी एक आंख बड़ी और खूबसूरत होगी। आज भी ये आता है, ये आता इश्क में, देखो ये इश्क है, इश्क इसे कहते हैं। तो जब कोई ऐसा आशिक बनता है, बताओ पीर से इतना इश्क है, हुजूर से कितना इश्क है? और जब हुजूर से इश्क होता है तो फिर अर्श दिल के सामने एक नुक्ते की हैसियत इख्तियार कर जाता है, और फिर आदमी रातों को रो कर गुजारता है। तो मैं ये अर्ज करने लगा था मकालुल उरफा के हवाले से कि हजरत बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे टेक के आसमान की तरफ देख रहे और बोल रहे, आपकी आंखों में आंसू है लेकिन आंसू पानी के नहीं, खून के आंसू रो रहे। हजरत बायजीद के मुरीद ने, मुरीद तो बड़ा नरम दिल होता है ना, पीर के हवाले से बहुत अकीदतमंद होता है, जब मुर्शिद को इस हालत में देखा कि घुटने जमीन पर है, आसमान की तरफ निगाहें हैं और खून के आंसू निकल रहे हैं, तो अर्ज किया, हजरत आप खून के आंसू रो रहे हैं, क्या वजह है रोने की? तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, बेटा दो कदम में अर्श पर गया था। ये आशिकों की मंजिल है, ये वलियों का मकाम है, दो कदम में अर्श पर गया था। तो कहा ये तो खुशी का मौका है, फिर रोने की क्या बात है? कर रोने की वजह यह है कि जब मैं दो कदम में अर्श पर पहुंचा, तो जब मैंने अर्श पर मेरी निगाह पड़ी,
तो मैंने अर्श को ऐसे बेचैन और बेकरार देखा जैसे जंगल में प्यासा भेड़िया पानी की वजह से बेचैन और बेकरार होता है। जंगल में प्यास की वजह से भेड़िया जैसे बेचैन और बेकरार होता है, वैसे मैंने बेकरारी अर्श में देखी। तो मैंने अर्श से पूछा, ए अर्श, तू क्यों बेचैन है, तू क्यों बेकरार है? तो अर्श ने कहा, बायजीद, मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं कि अल्लाह कहां है, मैं अल्लाह की तलाश में हूं। वो बेचैन था प्यासे भेड़िए की तरह और कह रहा था, बायजीद, मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं, अल्लाह कहां है, उसको तलाश कर रहा हूं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, अरे हमें तो पता दिया गया, अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान ने उस्तवा किया अर्श, और तू भी ऐसे मैं बेचैन हूं और तू कहता है कि मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूं, तो मुझे तो अर्श का पता दिया गया तो मैं यहां आया और अब तू भी बेचैन और बेकरार है। तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अर्श ने एक सर्द आग खींची और सर्द आग खींच करके अर्श जवाब देता है, बायजीद, रोना तो यही है जब तू पूछता है कि कहां है, तो कहा जाता है रहमान अलल अर्श इस्तवा, और जब मैं पूछता हूं कि मौला तू कहां है, मैं तुझे कहां तलाश करूं, तो मुझे जवाब देता है, अगर मुझे ढूंढना है तो बायजीद के दिल में जाके तलाश कर, तो मुझे वहीं पा लो, अगर मुझे ढूंढना है तो बायजीद के दिल में जाओ। बायजीद के दिल में जाकर ढूंढ, मुझे वहीं पे पाने। गोया के वलियों के दिल में अर्श को भेजा जा रहा है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज छोटी हो तो उसमें कोई बड़ी चीज तो दाखिल नहीं हो सकती। सुई के नाके में हाथी तो दाखिल नहीं हो सकता, सुई के नाके में इंसान की उंगली भी नहीं जा सकती। इसका मतलब यह है कि दाखिल होने के लिए जो दाखिल हो रहा है और जिसमें दाखिल हो रहा है, तो जिसमें दाखिल हो रहा है वो चीज बड़ी हो और जो दाखिल हो रहा है छोटा हो। अब मैं इसको अल्फाज का जामा कैसे पहनाऊं कि अल्लाह फरमाता है मुझे अगर ढूंढना है, अर्श को कहा जा रहा है, बायजीद के दिल में जाकर ढूंढ, बायजीद के दिल में जाकर मुझे तलाश कर, ये अल्लाह। इसीलिए बास बुजुर्गों ने कहा, बल्कि हदीस पाक भी है कि वली का दिल अल्लाह का अर्श होता है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए, एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि मैंने अल्लाह का अर्श अपने सर पे उठा रखा है, खुदा का अर्श मैंने अपने सर पे उठा रखा है। तो वो हजरत सैयदुद्दैफा जुनैद बगदादी की बारगाह में आया, कहा हजरत मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने अल्लाह का अर्श अपने सर पे उठा रखा है, इसकी ताबीर क्या है? फरमाया कि बेटा कल आना, मैं कल इसकी ताबीर तुझे बताऊंगा। और उसके बाद वो कल का इंतजार करने लगा। जब वो आया तो क्या देखा कि हजरत जुनैद बगदादी की खानकाह की पूरी गली भरी है, सब रो रहे और एक जनाजा जा रहा है। तो उस शख्स ने पूछा, किसका जनाजा है? कहा हजरत जुनैद बगदादी दुनिया से रुखसत हो गए, उन्हीं का जनाजा जा रहा है। तो उसने दिल में कहा, मुझे तो वादा किया था कि कल तेरे ख्वाब की ताबीर बताएंगे और ताबीर बताने से पहले ही चले गए, ये क्या बात हुई? बस जब ये सोचने लगा तो धक्के खाते हुए जनाजे के करीब आया, सोचा चलो कांदा ही दे दे, लेकिन कांदा नहीं दे सका तो नीचे आ गया। दिल में ख्याल आया, भीड़ इतनी है कि कांदा तो नहीं दे सकता, जब नीचे आ गया तो फायदा उठा लूं कि अपना सर जनाजे से लगा लूं ताकि जनाजा मेरे सर के ऊपर आ जाए। जैसे ही जनाजा सर के ऊपर आया, अंदर से आवाज आई, देख तेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई। यही तेरे ख्वाब की ताबीर है कि तू खुदा के अर्श को सर पे उठा रहा है। अल्लाह के वली का दिल अल्लाह का अर्श होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अपनी गुफ्तगू को समेटती व्यस करो, हम ये सब बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन बंदा इस मंजिल पे पहुंचता कैसे? जब वो मुत्तकी बनता है, देखो अल्लाह ने जहां जहां वली की पहचान बताई वहां तकवे का जिक्र किया। अल्लाह के वली मुत्तकी होते हैं। अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, वो ईमान वाले हैं और मुत्तकी हैं। एक मकाम पर फरमाया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, वो लोग अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, जो जितने ज्यादा मुत्तकी वो अल्लाह के उतने ज्यादा करीब हैं। फिर एक मकाम पर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मा सादिकीन,
ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। यहाँ भी औलिया अल्लाह के साथ होने के लिए